बड़वानी जिले में एक तरफ शासन प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की ओर ले जाते हुए कई योजनाएं संचालित करने का दावा तो कर रही है, मगर शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती हैं या फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। वहीं बड़वानी जिले की विधानसभा के सिलावट क्षेत्र के वेदपुरी के ग्राम पटेल फलिया में 70 घरों के परिवार के लोगों की प्यास बुझाने के लिए एक हैंडपंप का सहारा लिया जाता है, जहां एक ओर शासन प्रशासन नल जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हर घर तक पानी पहुंचाने जैसी योजनाएं संचालित तो कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते ग्रामीण दिखाई देते हैं। वहीं ग्रामीण महिलाएं व छोटे बच्चे अपने सिर पर पीने के पानी के लिए पथरीले रास्ते से पैदल व साइकिल के सहारे मुख्य सड़क की छोर को पार करते हुए हैंडपंप तक पहुंचते हैं। वहीं ग्राम वेदपुरी के पटेल फलिया रहवासी महिला अंतिम पटेल ने बताया कि ग्राम वेदपुरी के पटेल फलिया में 70 से अधिक घरों की बस्ती है, लेकिन इन 70 घरों की बस्ती में पीने के लिए पानी व पशुओं व कपड़ा धोने के लिए मात्र एक हैंडपंप के द्वारा प्यास बुझाई जाती है। वहीं ग्राम की रहवासी छोटी बालिका लक्ष्मी किराड़े ने बताया कि इसी तरह से रोजाना पानी लाने के लिए साइकिल व सिर पर घड़ा रख कर लाते हैं। हालांकि वहीं ग्रामीण प्रेम सिंह किराड़े ने बताया कि हैंडपंप ऐसी जगह है जहां से तेज रफ्तार में चार पहिया वाहन गुजरते हैं, कई दफा जन हानि का भी अंदेशा बना रहता है। वहीं गर्भवती महिलाओं को भी इस तरह पैदल चलकर पीने का पानी लेने को मजबूर हो रही हैं। कई बार आवेदन ग्रामीणों के द्वारा दिया जा चुका है, लेकिन जिम्मेदारों के द्वारा किसी प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है। आज भी हालात पानी के ज्यों के त्यों बने हुए हैं। वहीं बड़वानी एसडीएम घनश्याम धनगर ने बताया कि मीडिया के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है, पीएचई विभाग से चर्चा कर पानी की समस्या का समाधान किया जाएगा, साथ ही पानी की गुणवत्ता भी देखी जाएगी। कहाँ रहते हो? ग्राम वेदपुरी पटेल फलिया। और जो हेडपंप पे हम पानी भरने आते हैं ना, उसमें बहुत दिक्कत आती है हमको आने जाने में। करीबन हम 100 मीटर से आते हैं और टोटल हमारा मोहल्ला है 100 से 60 ऊपर ही मकान है, और जैसे पशु और कपड़े वगैरह पीने का पानी सब एक ही हेडपंप से ले जाते हैं, और बच्चे वगैरह साइकिल से आते हैं लेने पानी, और जैसे वाहन वगैरह चलती है दिक्कत बहुत आती है आने जाने में, डर रहता है हमारा। जैसे प्रेग्नेंट वगैरह लेडीज रहती है वो भी यहीं आती है पानी भरने के लिए, उनको भी आने जाने में दिक्कत रहता है। इसलिए हमारा ये है कि हमारा घर घर में नल अवश्य होना चाहिए। हम आवेदन दिए थे पर अभी तक उसका निर्णय कुछ नहीं हुआ। लक्ष्मी किराड़े, कहाँ रहते हो? वेदपुरी। हेडपम्प अब आया आज पानी भरने? कितने लोग आते हैं यहाँ पर? मतलब बहुत सारे आते हैं। कितने मकान होंगे यहाँ? 60 से ज़्यादा ही होंगे। क्या इसी तरीके से आते हो? मुख्य मार्ग से? ये मतलब रोड से आते हैं, मेन रोड से, और रोड क्रॉस करना पड़ता है। डर लगा रहता है? हाँ, तेज वाहन चलती है। हाँ, छोटे बच्चे भी इसी तरह से पानी भरने आते हैं, और साइकिल से भी लाते हैं, जो मतलब लड़के भी लाते हैं पानी। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या होना चाहिए नल? हाँ, होना चाहिए, हर घर नल होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। क्या दिक्कतों का सामना हो रहा है? दिक्कत क्या, पानी भरने के लिए आना पड़ता रोड पे। कितने मकान है वहाँ? मकान तो 60-70 मकान हो गए, ऐसे क्या हम गिनती नहीं किए, और ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। कि सभी परिवार वालों को ही आना पड़ता है? सबको यहीं पे आना पड़ता है कि हेडपम्प पे आना पड़ता है। क्या छोटे बच्चे भी आते हैं? छोटे बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, और ये जो डिलीवरी है वही भी आ सकते हैं। मुख्य मार्ग है, डर लगा रहता है? हाँ, डर लगती तो क्या, उनको देख रेख करना पड़ता, बड़े रोड है, गाड़ी घोड़े आते हैं। ग्राम वेदपुरी में एक हेडपम्प है सर, जिसमें ग्रामीण परेशान हो रहे, 70 से 80 परिवार वहाँ रहता है, साथ ही पानी की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पानी की गुणवत्ता को लेके और पेयजल की समस्या को लेके आपके माध्यम से मामला संज्ञान में आया है। इसमें पीएचई के अधिकारियों को मौके पर भेज के जांच कराएंगे, और यदि पानी की गुणवत्ता को लेके कोई मामला है या गुणवत्ता का कोई प्रश्न है तो उसमें यदि जो भी होगा उसका निराकरण कराएंगे और उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे।